निजात्मा को नमो नमो, शुद्धात्मा को नमो नमो, ध्रुवात्मा को नमो नमो, ज्ञानात्मा को नमो नमो, सहजात्मा को नमो नमो, ज्ञानात्मा को नमो नमो, सहजात्मा को नमो नमो। आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही परम धर्म है, आत्मा ही परिपूर्ण है, आत्मा ही परम धर्म है, आत्मा ही परिपूर्ण है। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का, निज स्वरूप को पहचानने का। इसलिए अनंत काल से जिस निज परमात्मा को नहीं जाना, शुद्ध आत्मा की शरण को ग्रहण नहीं किया, उसकी शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। सबसे पहले अपने लक्ष्य का स्मरण करने के लिए 30 सेकंड्स के लिए आईज क्लोज कर लीजिए और अपना लक्ष्य अंदर में पक्का कर लो। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। आंखें खोल सकते हैं। इतना ऊंचा जिनका उद्देश्य हो, अभी ये लक्ष्य दोहराया, कितना ऊंचा उद्देश्य है, कितना सुपर डुपर लक्ष्य है, इसके ऊपर और कोई लक्ष्य हो नहीं सकता। इतना ऊंचा लक्ष्य लेकर के यदि हम बैठे हैं तो कितनी गहरी और सूक्ष्म बात सुनने की सजगता लेके बैठे हैं। सूक्ष्म और गहरी बात सुनने की सजगता ही नहीं, उसे समझने की भी पात्रता लेकर बैठे हैं। और सिर्फ समझने तक सीमित नहीं है, उसको प्रयोग में लाने के लिए भी सजगता लेके बैठे हुए हैं। और इसलिए आत्मा की स्टेशन पुस्तक से जो हमारा स्वाध्याय प्रारंभ होता है, और वो स्वाध्याय हमें इन्फॉर्मेशन के रूप में, पहले परत पे, पहले स्टैंडर्ड पे हम जाते हैं तो जानकारी लेते हैं, फिर हम इंटरेक्शन पे जाते हैं, और फिर अपनी इनर जर्नी कैसे प्रारंभ हो इसका प्रयास के लिए बहुत से प्रयोग भी करते हैं। तो कुल मिला के कहना ये है, बताना ये है
कि ये प्रवचन नहीं है, ये सेशन प्रवचन नहीं है। अब क्यों मुझे ये बारंबार बोलना पड़ रहा है, क्योंकि महाराज जी की शक्ल देखते ही सीधा क्या याद आता है सबको, प्रवचन। कि महाराज जी प्रवचन करेंगे, एक घंटे की लिमिट होगी, हम सुनेंगे, परंतु प्रवचन क्यों हम बार बार कह रहे हैं, ये प्रवचन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सुनने के बाद इसे समाप्त नहीं करना है, सुनने के बाद इसे अनसुना नहीं कर देना है, और सुनने के बाद बहुत अच्छा महाराज जी तो बोलते हैं, इतना कह के इसे छोड़ नहीं देना है। इसलिए हमने इस सेशन के नाम रखे समझ संग, ये समझ का संग है, ये हमारा और आपका संग चल रहा है, सिर्फ हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बैठे हैं, आप सब भी अपनी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। तो ये समझ संग है जिसमें हमें समझ को गहरा करना है, और उस समझ को गहरा करने के लिए, ताकि हमारी इनर जर्नी क्या हो जाए, प्रारंभ हो जाए, वो प्रयोग के द्वारा तो प्रारंभ हो ही जाए, और इसलिए इस समझ को गहरा करते जाए, तो कहते जो समझ को गहरा करता है वो ऑटोमेटिक भीतर में समा जाता है। इसलिए इतनी बड़ी बात कह दी गई कि समझ समझ कर जीव ही गए मोक्ष अनेक। अब थोड़ा सोचना है, थोड़ा सोच के देखो कि अनंत अनंत जन्म के बाद ये अवसर मिलता है, ऐसा अवसर अनंत अनंत जन्म के बाद मिलता है कि जहां जीव को अपनी बात सुहाती है, दूसरों की बात सुहाए ऐसे तो अनंत जन्म बीत गए, पर चर्चा पर कथा पर की वार्ता इसमें तो रस ही है, अनंत अनंत जन्म ऐसे बीतते हैं, तब जाकर के एक जन्म ऐसा मिलता है जहां पर आत्मा की बात सुनना रुचता है, रुचता यानी अच्छा लगता है, आत्मा की बात सुनना अच्छा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा की बात सुनने को मिली है इससे पहले, परंतु रुचना अच्छा लगना कि ये एकदम से कनेक्टिविटी आना कि ये मेरी बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही यानी किसकी बात हो रही, मेरी बात हो रही है। तो ऐसा ये समझ संग, ऐसी आत्मा की बात सुनने के लिए जो आपकी रुचि जागी है, इस पंचम आरे में जागी है, और इस बात को सुनने का उल्लास सबके भीतर में उल्लास है। ये उल्लास हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना 3:30 से 4:30 का, आपको पता है कौन सा टाइम है ये, उबासियां लेने का उल्लास का टाइम नहीं है, उबासियों का टाइम है ये, पर उसमें आपने उल्लास जगाया, और वो भी आत्मा की बात सुनने के लिए उल्लास जगा रहे हैं, जो आराम का टाइम है उसको आत्मा में लगा रहे हैं। और इसलिए शास्त्र में भी लिखा है, अध्यात्म ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं, कि यदि इस पंचम आरे में किसी जीव को आत्मा की बात सुनने की रुचि जागी हो, उल्लास जागा हो, अंदर में उत्साह जागा हो, प्रयोग करने का भाव जागता हो, तो कहते उसका मोक्ष निकट है, यानी उसके जीवन में इस संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल क्या होना है, निकट आ रहा है। तो इसलिए आप सबका उल्लास, आप सबकी रुचि, और फिर से अपने आप को एक बार कि ऐसा सौभाग्य ऐसा अहोभाग्य हमें मिला कि हम आत्मा की बात सुन सकते हैं, रुचि पूर्वक उसका प्रयोग करने का भाव रखते हैं। तो इसलिए आज का जो हमारा सेशन चलेगा वो परावर्तना स्वाध्याय का चलेगा। नया शब्द है, किन्हीं के लिए नया है, किन्हीं के लिए पुराना है, क्योंकि स्वाध्याय शब्द जब हमने बोला ना, तो स्वाध्याय मतलब सिर्फ सुनना पढ़ना पूछना ही नहीं होता, स्वाध्याय में दोहराना भी होता है, परावर्तना यानी दोहराना। स्वाध्याय के 5 अंग आपने सुने होंगे, भगवान महावीर जी ने बताए हैं। पहला अंग है वाचना, वाचना यानी पढ़ना या सुनना। दूसरा होता है पृच्छना, पृच्छना यानी जो जिज्ञासा है, जिसे आप इंटरेक्शन कहते हैं, वो कौन सा स्वाध्याय है, पृच्छना स्वाध्याय।
और तीसरा स्वाध्याय है परियटना यानी परावर्तना करना, जो सुना है जो समझा है उसको क्या करना है, दोहराना है। तो आज का सेशन हमारा परावर्तना स्वाध्याय का होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये समझ रहे कि आपको समझ नहीं आया, आप तो इतना उल्लास से सुन रहे हैं और इतने अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, तो हम तो ये डाउट नहीं कर रहे कि आपको क्या नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, पर समझ का संस्कार पढ़ना चाहिए, समझ का गहरा संस्कार पढ़ना चाहिए। और हमें भी समझ ये आना चाहिए कि जो हम समझाना चाहते वो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, या कुछ और ही समझना आ रहा हो। इसलिए कौन सा स्वाध्याय चाहिए, परावर्तना स्वाध्याय चाहिए। तो ये परावर्तना स्वाध्याय हम प्रारंभ करेंगे, उससे पहले महाराज श्री जी आपको वो गाइडलाइन देंगे जो आपने प्रयोग किए हैं उसके बारे में बताएंगे, और जो क्वेश्चंस किन्हीं किन्हीं के थे उनका समाधान देंगे। उसके बाद हम चलेंगे परावर्तना स्वाध्याय पे। शब्द है प्रयोग, और जब भी प्रयोग शब्द आता है तो हमें एकदम से साइंस का सब्जेक्ट याद आता है, साइंस में प्रयोग करवाए जाते हैं, क्योंकि विज्ञान जो है वो प्रयोगों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहते हैं धर्म को विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, धर्म को विज्ञान के नजर से कहते हैं उसका मूल्य आंका जाए, और विज्ञान यानी प्रयोगशाला, विज्ञान यानी सीरीज ऑफ प्रयोग जहां हम करते हैं। और इसलिए हमने आपको पिछले सेशन में कहा था कि कुछ प्रयोग करने का भाव रखें, कुछ प्रयोग करने के लिए उद्यम करें, क्योंकि कैसे रिमाइंडर दोगे अपने आप को, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ और चेतन, मैं यानी कौन, जड़ और चेतन, हाँ मैं चेतन। जब मुझे पता है कि मैं चेतन हूँ तो जड़ और चेतन के बीच में मैं जड़ नहीं हूँ और मैं चेतन ही हूँ, ऐसा अपने अंदर पक्का संस्कार डालने के लिए हमने प्रयोग करने प्रारंभ किए। कुछ प्रयोगों के माध्यम से ये संस्कार को गहरा करना है, और इसलिए कुछ पिछले सेशन में थोड़ी बात हुई थी, और थोड़ी बात में हमने कहा था कि खाने पीने बोलने घूमने फिरने आदि की जो हमारी सांसारिक वृत्तियां हैं, वृत्तियां शब्द है, सांसारिक वृत्तियां हैं जिस वृत्तियों से हम प्रवृत्तियां करते हैं, और वो प्रवृत्तियां जब करते हैं तो प्रवृत्तियों में कुछ दोष आ जाते हैं, और इसलिए इन सारी वृत्तियों को, इन सारी प्रवृत्तियों को मोड़ कर कहां की तरफ लाना है, अपनी ओर लाना है। यानी वृत्तियों को, जो खाने पीने घूमने में जो वृत्तियां जा रही है, हमारा उपयोग उनमें जा रहा है, उस उपयोग को मोड़ करके किसकी तरफ लाना है, अपनी तरफ लाना है। यानी अपने को अपना अटेंशन देना है, अपने को अपनी घरेलू बातें, घरेलू चीजें, नॉर्मल डेली रूटीन की एक्टिविटी में अटेंशन नहीं देना है। और इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ द थीम, जो स्पिरिचुअल थीम आप समझ रहे हो, और उस स्पिरिचुअल थीम को हमने अप्लाई कैसे करना है, और उसके लिए हम जान रहे थे कि अपने जीवन के अंदर आत्मस्मरण को ऑटो मोड पर लाया जाए। आत्मस्मरण, सदैव आत्मा का स्मरण रहे, मैं कौन, मैं कौन, यानी मुझे हर समय सतत ये बोध बना रहे कि मैं कौन हूं, यानी अपने निरंतर अपना बोध अंदर में रहना, उसका नाम है आत्मस्मरण, आत्म जागृति। और उसके लिए इस स्पिरिचुअल थीम को घोटने के लिए आप लोगों ने कुछ प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के विवेचन तो हम बाद में करेंगे। पहले कुछ प्रयोगों के अंदर हमें जानना है, टू पार्ट्स होते हैं, निरंतर प्रयोग किए जाए, निरंतर क्रियाओं में निरंतर प्रयोग, क्योंकि हमारा जीवन कैसा है, भाव और क्रिया से जुड़ा हुआ है, भाव और क्रिया का ताना बाना सदैव लगा है। यानी प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक भाव के साथ क्या जोड़ दिया जाए, प्रयोग, कौन सा प्रयोग, प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक भाव के साथ जो है, हमें मन से, वचन से और काया से जितनी क्रिया हो रही है, सोच की क्रिया, मानसिक क्रिया, बोल की क्रिया, वचन की क्रिया,
और करने रूप में जो हम क्रिया करते हैं कार्य रूप में, वो सारी कायिक क्रिया है, उसमें पिरोई करना है। पिरोई करना है यानी उसमें निरंतर प्रयोग करना है कि क्रियाएं हो रही है, मैं इसमें कहीं नहीं हूँ, मैं इसमें कहीं नहीं हूँ, क्रियाएं हो रही है कर्म के उदय से, क्रियाएं हो रही है कर्म के उदय से, और मैं कौन हूँ, मैं मात्र ज्ञाता हूँ, मैं मात्र ज्ञाता हूँ, मैं मात्र ऑब्जर्वर हूँ, मैं मात्र साक्षी भाव में हूँ, मेरी साक्षी में ये क्रिया हो रही है, लेकिन मुझे उन क्रियाओं को भी जानने का, समझने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। यदि आप सोचते हो कि ज्ञाता दृष्टा का भाव मुझे ऐसे साधना है कि ज्ञाता यानी जानू उस क्रिया को जानने की जरूरत नहीं है, क्रिया हमारी सारी कर्म संचालित है, हमारी समस्त क्रियाएं कर्म संचालित हैं, आप चाहो या आप ना चाहो, आप करो या ना करो, ये क्रियाएं स्वतः पूरी होने वाली है, ये स्वयं संचालित है, उसमें आपको कहीं पर भी अपना ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म के उदय से प्रत्येक क्रिया हो रही है, तो जो क्रियाएं कर्म के उदय से हो रही है उसमें मुझे कुछ करना ही नहीं है, उसमें मुझे क्या करना है, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना है, जस्ट मात्र कि मुझे ऑब्जर्वर बन करके ऑब्जर्व करना है, कभी कभी ऐसा भी मौका लेना चाहिए, इसलिए निरंतर जो हमारी रूटीन की क्रिया है, खाने की क्रिया है, बोलने की क्रिया है, माला फेरने की क्रिया है, या फिर किसी के सामने कुछ बात करने की क्रिया है, तो इस सारी क्रिया के अंदर यदि प्रयोग कर सको ऐसा तो दी बेस्ट है, आपके संस्कार बहुत ज्यादा पकेंगे, क्योंकि संस्कार पकाने का ही तरीका है, संस्कार को मजबूत करने का तरीका है, जैसे ही बोलने का भाव आया, क्योंकि कोई भी क्रिया करने से पहले क्या आएगा, भाव, भाव आएगा, कोई भी क्रिया एकदम से नहीं करोगे, क्रिया करने से पहले भाव आते हैं, और भाव जो आए उन्हीं भाव के साथ सवाल पूछो, ये भाव किसको आया, इस भाव को किसने जाना, मैंने जाना। यानी भाव जो जन्मा है वो कर्म के उदय से जन्मा है, नंबर वन, और ये भाव जो जानने में आ रहा है किसको जानने में आ रहा है, मुझे, मुझे। यानी मैं भाव नहीं हूँ, मैं भाव हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, मैं भाव नहीं हूँ, क्योंकि भाव कर्म के उदय से आए हैं, चाहे भाव शुभ हो चाहे भाव अशुभ हो, मुझे जो है इसमें केवल ज्ञाता बनना है, केवल जानना है कि ये भाव आए और ये भाव गए, केवल मैं तो, जैसे आप मूवी देखने जाते हो, आप क्या करते हो, आप सीट पे आराम से बैठते हो, आप कुछ करने नहीं जाते मूवी में, मूवी के जो सीन आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मूवी ऑलरेडी उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये आपको पता है, तो आप निश्चिंत होकर के क्या कर रहे हो, बैठे हो, फिर भी मन में उठा पटक हो रही है, फिर भी मन में कुछ सीन को देख करके लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था, यानी ऐसे भाव अंदर में चलते हैं, लेकिन आप जानते हैं भले ही कितने भाव मूवी देखते हुए आए लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है, तो आप फिर भी सीट पे जम के बैठते हो 3 घंटे के लिए, ऐसे ही समझ लो कि कोई भी क्रिया करते समय एक यही भाव आए कि जो भाव आ रहे हैं ये भाव जा रहे हैं, उनको केवल जानने वाला मैं हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं कर सकता ही नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा का स्वभाव करता नहीं है, आत्मा का स्वभाव अकर्ता है, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता है, यानी जानने का काम आत्मा का है, क्योंकि आत्मा जो है ज्ञान का घन पिंड है, क्या है, घन पिंड, ज्ञान का घन पिंड है, और जो ज्ञान का लबालब भरा हुआ घन पिंड है उसको जानना ही उसका कार्य है, और कोई उसका कार्य नहीं है, तो निरंतर जो एक्टिविटी हम करते हैं उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नंबर टू, आप लोगों ने जितने प्रयोग किए उनको पढ़ा गया, और पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि घटनाओं में आप लोगों ने ज्यादा इस्तेमाल किया है, जब कोई घटना घटी तब आप लोगों को स्मरण हुआ, और उस स्मरण को इसलिए हो सका क्योंकि घटनाएं जब घटी हैं तो अप्रिय घटनाओं पे ज्यादा जोर होता है,
जो डिसलाइकिंग वाली घटनाएं हैं, जिससे हमें हर्ट हुआ हो या जिससे हमें लगता है कि कुछ ऐसा हो गया जो बिल्कुल मेरी मेजरमेंट से अलग ही है, जो मेरी सोच समझ से बिल्कुल बाहर हुआ है, तो हम थोड़े अपसेट हो जाते हैं और उस समय हमारे अपसेट की वजह से एक बेचैनी, अशांति, व्याकुलता, कषाय का भाव अंदर में सहज उत्पन्न होता है और उस समय हम विचार करते कि निमित्त को निर्दोष मानो। उस समय हमने सब इम्प्लीमेंट किया, आप लोगों के प्रयोग पढ़े गए और ये लगा कि निमित्त को निर्दोष मानने की भावना आपकी तैयार हुई। सेकंड, आप लोगों ने सोचा कि कर्म, कर्मफल, इस पे भी दृष्टि नहीं डालना। मुझे दृष्टि कहाँ डालनी है? आत्मा पर, यानी राइट अपने डायरेक्ट अपने आत्मा की तरफ दृष्टि डालनी है। ऐसा आपके भीतर में जो भाव था उसके अनुसार इम्प्लीमेंट हुआ, तो कुल मिला करके आप लोगों ने जो प्रयोग किए उन प्रयोगों से ये समझ में आया कि बहुत लोगों ने निर्भरता महसूस की। जितना जितना थीम अप्लाई करने में आया, जिस जिस घटना में, चाहे दिन में 24 घंटे में किसी ने दो ही प्रयोग किए हो कोई बात नहीं, लेकिन उससे क्या फील हुआ, एक विश्वास हुआ कि ऐसा अप्लाई करने से क्या हो रहा है, कि निर्भरता महसूस हुई। कुछ लोग शांत हो गए थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल शांत हो गए। कुछ लोग सिक्योर महसूस कर रहे हैं कि अरे ये अप्लाई करने से हम जो है बहुत सिक्योर महसूस करते हैं, और कुछ लोग जो हैं हैप्पी फील करने लगे कि अरे बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं अनंत सुख मेरे भीतर है और उस अनंत सुख को मेरे भीतर में जो है उसको प्रकटाने का यही तरीका है, उसको प्रकट करने का यही तरीका है। यानी कुछ लोगों ने हैप्पीनेस फील किया और कुल मिला करके हम सारी बातों को समेट करके एक बात बोलेंगे कि इन प्रयोग करने से आत्मा का संस्कार पक्का हुआ है। क्या पक्का हुआ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस संस्कार को पक्का करने का केवल तरीका है। क्योंकि याद रखिए कि जो केमिकल चेंज भीतर में लाने के लिए ये जन्म मिला है, केमिकल चेंज यानी कोई केमिस्ट्री के से संबंधित नहीं है, केमिकल चेंज यानी परमानेंट चेंज और फिजिकल चेंज यानी टेम्पररी चेंज। जिस फिजिकल चेंज में आप जानते हैं कि पानी को फ्रिज में रखा, जब पानी को फ्रिज में रखा पानी बर्फ में टर्न हो गया, बर्फ को धूप में रखा वापस बर्फ क्या हो गई, पिघल करके पानी हो गई। यानी ये कैसा कैसा चेंज है, ये फिजिकल, ये फिजिकल चेंज है। पानी से बर्फ, बर्फ से फिर पानी को फ्रिज में रखो फिर बर्फ हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब दूसरा चेंज है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर आपने जो है दूध में जामुन डाला, दूध में जामुन डाला दही बन गया। अब दही को जो है आपने बिलौनी से बिलोया, मक्खन निकल आया, यानी मक्खन बन, मक्खन निकल आया, मक्खन को आपने तवे पर रखा, घी निकल आया। अब आप देखिए कैसा प्रोसेस है कि आपने देखा दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी बनकर तैयार हो गया। अब ये केमिकल चेंज है, अब ये इरिवर्सिबल है, पीछे नहीं लौट सकते, ये पीछे नहीं लौट सकते, ये तो आगे ही जाएगा। यानी आपने क्या किया है, जो दूध 24 घंटे भी मुश्किल से टिकने वाला था वो भी टिक नहीं सकना था, लेकिन 24 घंटे मान लो मैक्सिमम अवधि थी, आपने जामुन डाल करके दही बना दिया, उसकी स्टैमिना क्या कर दी, बढ़ा दी, बढ़ा दी। अब उसके टिकने की स्टैमिना बढ़ गई। अब ये दही जो है मक्खन में जब ट्रांसफर हो गया, मक्खन के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ, तो क्या हो गया, अब थोड़े दिन और भी रह सकता है। अब मक्खन को जब तवे पर रख दिया, मक्खन को जब घी के रूप में देख लिया, अब वो घी तो आप चाहे 4-6 महीने कितने समय रख लो, यानी उसकी स्ट्रेंथ आपने क्या कर ली, बढ़ा दी। इसीलिए कहते हैं कि इसको कहते केमिकल चेंज, और ऐसा केमिकल चेंज मेरे भीतर में भी आ सकता है, ऐसे ही आता भी है। और अनंत सिद्ध जो हुए हैं उन्होंने कहा कि कोई भी चेंज आ सकता है, कोई चेंज असंभव नहीं है। नहीं। तो केमिकल चेंज कहता है कि यही आत्मा परमात्मा बनती है, और एक बार परमात्मा बन गई तो वापिस क्या नहीं हो सकती, हाँ इसे संसार में नहीं आएगी, क्योंकि केमिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज है, वापिस कुछ लौटना यहाँ पे है ही नहीं। और इसलिए प्रयोग करने हैं
अपनी तरफ आने के लिए, यू नो योर सेल्फ बेटर, अपने को अपने बारे में अच्छी तरह से समझने के लिए प्रयोगों को लिखने की आदत डालने का हमने सोचा है, क्योंकि हम खुद भी लिखते हैं, जो हम करते हैं वही हम आपसे करवा रहे हैं, हम खुद भी लिखते हैं, यानी प्रयोग लिखे जाए। आप प्रयोग करते हो लेकिन लिखते नहीं हो, तो इससे ये होगा कि धीरे धीरे प्रयोग आपके सरक जाएंगे। जब तक भूमिका में, जब तक अच्छी तरह से ये प्रयोग करने की आदत में आप नहीं आएंगे, तब तक जो है प्रयोग लिखने चाहिए, क्योंकि लिखने से केवल कन्फेशन के लिए नहीं लिखना है, नॉट फॉर कन्फेशन, लिखना कोई भी बात को, अपनी बात को लिखना कन्फेशन का हेतु नहीं है। ये हेतु ये भी है कि एवरीथिंग शुड बी पुट इन ब्लैक एंड व्हाइट, एवरीथिंग शुड बी पुट इन ब्लैक एंड व्हाइट मेक्स थिंग मोर क्लियर एंड क्लियर। आपको समझ में आता है कि यदि मैंने लिख करके कोई प्रयोग रखा है, उस प्रयोग की डायरी को कभी भी खोलेंगे, कोई और खोलेगा तो उसको भी प्रेरणा मिल सकती है, उसको भी अच्छा लग सकता है कि अच्छा ऐसा भी करना चाहिए, ये भी एक साधना है। और इसी तरह समय की साधना करते हैं तो ये साधना तो टोटली आप किसी भी समय लेटे लेटे भी कर लो, क्या है ये तो सब प्रयोग है, निरंतर प्रयोग बताए गए हैं। और समय सार के अंदर तो लिखा है कि ऐसा प्रयोग, जिस प्रयोग के अंदर ऐसा भेद विज्ञान जो तेल की धारा के समान निरंतर चले। अब वहां तक पहुंचना है हमें, अभी तो हम टूटक टूटक प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे प्रयोग कर रहे हैं, कुछ कुछ बातों में कर रहे हैं, जब याद आ जाए तब कर रहे हैं, जब अपने को लगता है अरे भूल हो गई तब याद कर लेते हैं तो भी कोई बात नहीं। यानी ये भी जो है कि धीरे धीरे हम अपनी नींव को मजबूत बना रहे हैं, और इसलिए प्रयोग में कभी ना सोचे कि प्रयोग में मैं असफल हो गई, नहीं ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। 100 times आप प्रयोग में असफल भी हुए होंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आप क्या होंगे, सफल होंगे। यानी प्रयोग में सफल होने का भी बहुत चांसेस है, परंतु प्रयोग में सफल हो या असफल हो, लक्ष्य ये है कि मुझे अपने भीतर में अपनी निज आत्मा के संस्कार डालने हैं, जो स्मृति में रहता नहीं है, मुझे याद नहीं रहता कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही हूँ, ये हम भूल गए हैं, क्योंकि अनादि से वास्ता क्या हो गया है, अपने से कट हो गया है, अनादि से भूल चुके हैं, मैं शरीर ही हूँ यही ख्याल में है, मैं नाम ही हूँ यही ध्यान में आता है। इसीलिए इस संस्कार को अच्छे से मजबूत करने के लिए चाहे प्रयोग में सफलता मिले चाहे ना मिले, लेकिन प्रयोग निरंतर करने हैं, क्योंकि निरंतर जो प्रयोग किए जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी परोक्ष श्रद्धा मजबूत होगी। परोक्ष श्रद्धा यानी ये श्रद्धा, भले आप फेल हो जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगता है कि सभी सिद्ध बने हुई आत्मा जो है ये इन्हीं प्रयोगों से निकली हुई है, इन्हीं रास्ते से गुजरी हुई है, कोई भी ऐसे अचानक सिद्ध नहीं बना है, कोई भी आत्मा ऐसे ही परमात्मा नहीं बनता है, सीरीज ऑफ प्रयोग और न जाने कितने जन्मों के प्रयोग किए होंगे तब कहीं जाकर के हम जो है इसके अंदर पार पाते हैं, सफलता पाते हैं। और इसलिए अपनी परोक्ष श्रद्धा को मजबूत करने के लिए हमें प्रयोग करने हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने की रुचि को तीव्र करने के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, यानी ये भी बहुत जानना जरूरी है। और इसलिए अब हमें जानेंगे जितने लोगों ने प्रयोग किए उसमें से कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, और उस जिन्होंने नहीं भी किए और उसको थोड़ा सा बोध हो कि कौन सी बात बहुत अच्छी है। कई बार बहुत सारी बातें होती है तो चुनाव नहीं होता, मूल बात जो अच्छी लगी और वो इतनी प्रभावित भी करी और आपको भी प्रभावित करेगी, और नंबर वन जो आए और जाए वो मैं नहीं हूं, ये समझ लीजिए सेंटेंस को आपने अपने अंदर में रजिस्टर कर लेना है, जो आए और जाए वो मैं नहीं हूं, क्योंकि आना और जाना यानी डिफाइन करता है टेम्पररीनेस, ये क्षणिकता को
देता है, इस क्षणिकता को समझाता है, यानी जो आए और जाए वो मैं नहीं हूँ, और आप जानते हैं जो आता है और जाता है वो कौन है। हाँ, जो आता है और वो जाता है वो कौन है, एक शब्द में है विभाव। विभाव, विभाव यानी शुभ भाव और अशुभ भाव। शुभ भाव भी आते हैं, ज्यादा देर नहीं टिकते, अशुभ भाव आते हैं वो भी ज्यादा देर नहीं टिकते। यानी शुभ अशुभ भाव का जो आप जानते हैं कि कभी टिकते नहीं है, वैसे ही क्रिया देख लो, शुभ क्रिया कितनी देर कर लोगे। एक सामायिक में आप बैठते हो, फिर आपको लगता है अब सामायिक में से उठे, यानी शुभ क्रिया में भी ज्यादा देर स्थिरता नहीं, क्योंकि वो भी हम लगता है बस अभी ये हो जाएगी पूरी, फिर हम यहाँ से उठेंगे, फिर पहले ही प्लानिंग करके बैठते हम कि ये काम हो जाए, सामायिक हो जाए, फिर हम ये करेंगे। यानी दैट मीन्स कि हमारी प्लानिंग पहले हो जाती है, बाद में शुभ क्रिया प्रारंभ होती है। तो कहने का अभिप्राय जो आए और जाए वो मैं नहीं, तो शुभ भाव हो या शुभ क्रिया हो, न वह आती, वो जो है दोनों क्षणिक है। लेकिन कौन टिक के रहता है? मैं स्वयं, मैं आत्मा, मैं शुद्धात्मा स्वयं टिक के रहता हूँ। यानी मैं सदा काल टिक करके रहता हूँ, जो आए और जाए वो मैं नहीं, जो सदा टिक के रहता है ऐसा वह आत्मा वो मैं हूँ, ऐसा वो शुद्धात्मा मैं हूँ। यानी अपने आपको ये जो है प्रयोग में लाना है, इसके साथ प्रयोग करना है। मान लीजिए आपको वॉकिंग करने की इच्छा है, मॉर्निंग वॉक पे निकलना है, अब छोटी सी क्रिया है, क्रिया तो एक घंटे में समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप जानते हैं कि क्रिया करने से पहले भी आपके भाव का जन्म हुआ कि मुझे जाना है, लेकिन वो भाव भी कितना टेम्पररी है, वो भाव भी क्षणिक है, वो क्रिया भी क्षणिक है, लेकिन टिक्के कौन रहा? मैं स्वयं। क्रिया करने से पहले भी आप मौजूद थे, क्रिया करते हुए भी आप थे, और क्रिया करने के बाद भी आप मौजूद ही हो। यानी त्रिकाल मेरी सत्ता है, ऐसा मैं शुद्ध, ऐसा मैं शुद्ध तत्व। और एक तरफ कहना चाहिए कि जो बहुत अच्छा लगा प्रयोगों के अंदर, कि शुद्ध तत्व पे लोगों ने जोर दिया है, शुद्ध तत्व पे समझने का प्रयास किया है, और शुद्ध तत्व के साथ सामने जो कर्म का उदय चल रहा है सुख और दुख के रूप में, उस सुख और दुख के रूप में जो कर्म का उदय चल रहा है उसमें उन्हें ये समझ आया कि प्रायोरिटी किसको देनी है, शुभ अशुभ भाव में देनी है, शुभ अशुभ क्रिया में देनी है, या शुभ अशुभ क्रिया का जो फल है उसको देनी है, या फिर आत्मा को देनी है। और हाँ, ये जान के खुशी हुई, लोगों के प्रयोग पढ़ के अच्छा लगा कि आपने राइट बात को पकड़ा है, कि हमें आत्मा की दिशा में ही चलना है, कर्म की दिशा में चलना नहीं है। जो कर्म साथ साथ चल रहे हैं वो एक समय ऐसा आएगा कि वो कर्म ड्रॉप आउट हो जाएगा और केवल शुद्धात्मा के लिए चलेगी, फिर सिद्धालय में जाएंगे, फिर वो सिद्धालय का स्थान होगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले दिशा सही मिले, और दिशा वही सही है जो आत्मा की दिशा हो, जो चैतन्य की दिशा हो, क्योंकि वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। ऐसी भावना के साथ हमें जो है हमारा कनेक्शन अपने साथ जोड़ते हुए ये अच्छा लगा कि बहुत लोगों ने प्रयोग किए, सफलता भी मिली, और सफलता भी मिली जिसमें से सुरुचि ने दो प्रश्न पूछे हैं। सुरुचि के दो प्रश्न हैं कि आत्मचिंतन अधिक देर नहीं रहता और कुसंस्कार जल्दी से वापस घेर लेते हैं। सिचुएशन चाहे फियर की हो, डिसलाइकिंग वाली हो, एक्साइटमेंट वाली हो, लेकिन हम जो है बहुत जल्दी से कुसंस्कारों में चले जाते हैं, यानी कुसंस्कारों का प्रभाव आ जाता है, तो हम कैसे स्थिर हो? और ये बात जो है कहना होगा कि कुसंस्कार अनादिकाल के हैं, जन्म जन्म के कुसंस्कार, केवल इस जन्म के कुसंस्कार नहीं है, जन्म जन्म के कुसंस्कार हमारे हैं, अनादि काल के हैं। तो उसका बल भी क्या है, उसका बल भी बहुत मजबूत है, वो भी अनादि काल का बल है, अनंत बल है उसमें भी, परंतु आत्मचिंतन तो केवल इस जन्म में हम कर रहे हैं, और वो भी थोड़े समय से कर रहे हैं, और वो भी हल्के फुल्के ढंग से कर रहे हैं, और वो भी कभी कभार करते हैं, कभी कभार भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति हमारी आत्मचिंतन की है,
और कुसंस्कार की स्थिति इतनी मजबूत है कि बारंबार बारंबार वही गलतियां दोहरा दोहरा करके हमने क्या किया है, मजबूत कर दिया है अपने कुसंस्कार की परत को। लेकिन यदि शब्दों से भी आत्मचिंतन किया होगा, शब्दों से भी यदि आत्मचिंतन करके बार बार प्रयोग किया होगा, तो निश्चित ही ज्ञान का बल बढ़ेगा, श्रद्धा का बल बढ़ेगा और आत्महित के लिए रुचि तैयार हो जाएगी, आत्महित की रुचि तैयार हो जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा तो ये हुआ है कि दिशा सही मिली और सही दिशा मिलने के बाद जो है उस दिशा में पहला कदम रखा है वो है कदम आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन को पकाने के लिए प्रयोग करने हैं। तो अब ये सुरुचि का पहला प्रश्न का उत्तर हो गया है। अब दूसरा दूसरा प्रश्न है, आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड है जिसमें किसी का प्रवेश नहीं है, न पाप का प्रवेश है, न दुख का प्रवेश है, न कर्म का प्रवेश है, न भाव का प्रवेश है। इसी कारण वो आत्मा शुद्ध है, क्योंकि प्रवेश नहीं है, किसी भी फॉरेन चीजों का, बाहर की चीजों का प्रवेश नहीं है, और प्रवेश नहीं होने की वजह से वो चीज शुद्ध है, वो वस्तु शुद्ध है, वो सब्सटेंस शुद्ध है। और इस फिर उसका प्रश्न था, यदि आत्मा शुद्ध है, किसी का प्रवेश उसमें नहीं है, तो फिर वह दुख का संवेदन क्यों करती है, दुख का संवेदन क्यों फील करती है। और इसके लिए याद रखना कि अनुभव करना, फील करना केवल मात्र आत्मा का स्वभाव है। जैसे जानना आत्मा का स्वभाव है, ऐसे फील करने का स्वभाव किसका है, आत्मा का, आत्मा का है। टेबल कुर्सी को कोई फील नहीं होता, टेबल कुर्सी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि फीलिंग किसके अंदर है, आत्मा के अंदर। एक सिचुएशन है, जहां जहां लिविंग वहां वहां फीलिंग, जहां लिविंग है वहां फीलिंग है। तो हम जो है सजीव द्रव्य है, हमारे भीतर में चेतनता है और इसलिए हमारे भीतर में फीलिंग है। तो अनुभव करना आत्मा का स्वभाव है, परंतु दुख का अनुभव करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। दुख का अनुभव करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि किसी भी दुख का प्रवेश आत्मा में नहीं हुआ है, किसी भी दुख का प्रवेश आत्मा में नहीं हुआ है। और इसीलिए दुख तो जो है कर्म का फल है, दुख कहां से आया, फिर कर्म का फल है। और कर्म का फल क्या है, जड़ है, कर्म जड़ है, और कर्म का फल भी क्या है, जड़ है। जब कर्म जड़ है, कर्म का फल जड़ है, तो जड़ का प्रवेश आत्मा में कहां से हो सकता है, आत्मा तो खुद चैतन्य का घन पिंड है, चेतनता से भरी हुई है, जो चेतनावंत है, उपयोग जिसका लक्षण है। और ऐसी आत्मा, क्या वो आत्मा दुख का प्रवेश होने देगी अपने भीतर, नहीं। आत्मा में कोई दुख का प्रवेश नहीं, फिर भी दुख क्यों फील होता है, कर्म के उदय से नहीं, कर्म के उदय से सर्कमस्टेंसेस अरेंज होती है, कर्म के उदय से सर्कमस्टेंसेस अरेंज होता है। यानी कर्म के उदय से हम ये कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं, ऐसी परिस्थितियां मौजूद होती हैं। लेकिन हमारा ज्ञान दर्पण, आत्मा जो है वो बिल्कुल दर्पण जैसा, ज्ञान दर्पण, और उस ज्ञान दर्पण में उस दुख का क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन। हमारे ज्ञान आत्मा रूपी ज्ञान दर्पण में रिफ्लेक्शन पड़ा है, किसका, सामने जो दुख रूपी सर्कमस्टेंस आया है उसका। यानी वो रिफ्लेक्शन जो हुआ है, उस रिफ्लेक्शन को हमने गलती से क्या मान लिया, एक रिफ्लेक्शन किसका है, मेरा है, अपना, मेरे अंदर है, यानी ये चीज मेरे अंदर चली गई है, यानी ये मेरा इल्यूशन है, ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी मिसबिलीफ है, जिस मिसबिलीफ के कारण मैंने ऐसा समझ लिया कि ये दुख ने मेरे भीतर प्रवेश कर लिया है। हालांकि दुख ने प्रवेश नहीं किया है भीतर, दर्पण को कभी देखा हो गौर से, दर्पण हमेशा जो है चीजों को झलकाता है, उसका काम है झलकाना। ऐसे ही आत्मा जो है वो केवल झलकाने का काम करती है, क्योंकि जानना उसका कार्य है, उसका कार्य जानना है, वो जान रही है कि क्या आया है सामने, ऐसा स्थिति आई है, वो केवल जान रही है। जानना अलग बात है
और उसके साथ वननेस करके दुख फील करना वो अलग बात है। और हमने क्या किया, हर रिफ्लेक्शन के साथ वननेस क्रिएट करी। हर चीज जो रिफ्लेक्ट हो रही है मेरे ज्ञान दर्पण में, मेरी आत्मा के दर्पण में जो जो रिफ्लेक्शन होता है, कभी सुख का होता है कभी दुख का होता है, हर रिफ्लेक्शन को मैंने लेबल लगा दिया, ये मेरा वननेस क्रिएट कर दी। और इस वननेस की वजह से हमें क्या लगा, ये तो बहुत ज्यादा जो है, एक मुझे बहुत दुख आ गया, दुख हमें फील हो गया, ऐसा हम कहते हैं। परंतु उस रिफ्लेक्शन से जब हम न जुड़े तो आपको कोई दुख नहीं है। दुख के हम रिफ्लेक्शन में यदि हम एकत्व न धारण करें, एकत्व न बने, एक न हो जाए उसके साथ, तो फिर क्या नहीं है, फिर कोई दुख नहीं। यानी आत्मा अपने स्वभाव से हटी तो दुखी हुई, आत्मा विभाव में गई तो दुखी हुई, आत्मा स्वभाव में रहे तो कोई दुख नहीं। स्वभाव उसका केवल जानना है, यदि उसने जाना है कि बारिश आ रही है तो आ रही है, उसने जाना। अब वो सोचे कि बारिश मेरे अंदर आ रही है, तब तो जो है उसे दुख आएगा, क्योंकि उसने वननेस क्रिएट करी है। बारिश बाहर है, प्रतिबिंब मेरी आत्मा के दर्पण में पड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब पड़ने मात्र से वो चीज का प्रवेश मेरे भीतर नहीं हुआ। कुर्सी सामने झलक रही है दर्पण में, लेकिन दर्पण में कुर्सी का प्रवेश नहीं हुआ है, दर्पण में कुर्सी का प्रवेश नहीं, कुर्सी सामने है, कुर्सी सामने रहेगी, कुर्सी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। लेकिन दर्पण में रिफ्लेक्शन होने से हम समझते कुर्सी किसकी है, मेरी, क्योंकि दर्पण किसका है, मेरा। इस तरह से हमारी मिथ्या भ्रांति होती है। तो आत्मा अपने ज्ञाता स्वभाव में रहे, आत्मा नोवर बन के रहे, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, फिर दुख का अनुभव नहीं करती। दुख का अनुभव तब करती है जब अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव में चली जाती है, वननेस क्रिएट करती है रिफ्लेक्शन के साथ, तब हमें दुख होता है। यानी इसका उत्तर ये हुआ कि हमें अपने स्वभाव में क्या करना है, रहना है, अपने स्वभाव में रहना है। अपने स्वभाव को जब भी छोड़ेंगे तो दुर्घटना घटने वाली है, अपने स्वभाव से हटेंगे तो दुर्घटना घटेगी। और इसलिए ये चिंतन को हमेशा माइंड में रखो कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता नहीं हूँ, जो सामने आ रहा है वो केवल कर्म का उदय है, और उस उदय में मुझे वननेस क्रिएट नहीं करनी है। अब दूसरे चिंतन था कि निशा का चिंतन मेरा सही दिशा में है या नहीं, फाल्गुनी का भी यही था, चिंतन सही दिशा में है या नहीं। सिर्फ आत्म स्वरूप पर जोर अधिक देना है, करना कुछ नहीं है। आपने पूछा कि जो हम कर रहे हैं वो सही ट्रैक पे कर रहे कि नहीं कर रहे, जो प्रयोग हमारे द्वारा हो रहा है वो सही हो रहा या नहीं हो रहा है, ट्रैक बिल्कुल सही है। आत्म स्वरूप पे जोर देना है और वो आप दे रहे हो, और इसलिए कर्म का फल, कर्म का आप चिंतन, उसकी बहुत जरूरत नहीं है, वो तो मालूम ही है, सब कुछ कर्म का ही तो फल है, ये जीवन इटसेल्फ ही कर्म का फल है। आज हमारी लाइफ जो है वो इटसेल्फ क्या है, कर्म का फल है। किसी की लाइफ बहुत हमें लग रहा है कि आराम से बीत रही है तो उसका कर्म का फल है, हमारी लाइफ में थोड़ी परेशानी आए तो हमारे कर्म का फल है, तो लाइफ इटसेल्फ ही कर्म का फल है। तो उसके अंदर मुझे जो है ज्यादा दिमाग लगाने की या ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, आत्मा के स्वरूप पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है, स्वरूप का बल तैयार करना है। जितना स्वरूप का बल बढ़ेगा उतना भेद विज्ञान का अभ्यास होना शुरू हो जाएगा, भेद विज्ञान का अभ्यास प्रारंभ होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें आत्मा के स्वरूप के बारे में चिंतन करना है। कुछ लोगों का ये था कि हम फेल हो जाते हैं, फेल हो जाना कोई बुरी बात तो है नहीं, ये तो मार्ग ही है, साधना का मार्ग है, साधना उसी को कहते हैं जो कई बार व्यक्ति आगे आगे जाता है फिर पीछे लौट के आता है, फिर जाता है आगे फिर पीछे लौट के आता है, जाए आगे फिर पीछे लौटे, दिशा न पलटे, एक ही ख्याल रखना है, एक ही बात याद रखनी है, दिशा न पलटे। क्योंकि अनादि अनंत काल से आज तक मेरा मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि अनादि अनंत काल से बहुत बार ये मार्ग मिला, बहुत बार वितरागवाणी सुनी, श्रद्धा भी की होगी, लेकिन किसी न किसी कारण से दिशा पलट ली। दिशा तो केवल मात्र आत्मा की ही रखनी है, चैतन्य की ही दिशा हो और कोई दिशा हमारी नहीं हो, क्योंकि जितना चैतन्य पे जोर होगा उतना चाहे आप प्रयोग में सफल ना भी हो कोई हर्ज नहीं,
ना भी पास हो कोई हर्ज नहीं, कोई पास होना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि प्रयोग सफल या असफल आपने आत्मा के संस्कार को कितनी बार घुटाया। आप बच्चों को अल्फाबेट सिखाते हो, कितनी बार उसको कोशिश करवाते हो ए ऐसा लिखना, ए बोलो, ए फॉर एप्पल बोलो, कितना घुटवाते हैं। ऐसे ही इस संस्कार को कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसको भी हमें क्या करना है, घोटना है। और उसको घोटने के लिए इंस्टेंट कई लोगों को आत्मा की जागृति नहीं आती है, उनका ये कहना है इंस्टेंट कुछ नहीं होता, सब कुछ होने के बाद आत्मा याद आती है। कोई बात नहीं, तब तो याद आई ना, घटना घट गई उसके बाद याद आई, या लगता था कि अरे ये मुझे यहाँ प्रयोग करना था मैं भूल गई, बिल्कुल कोई बात नहीं। स्टार्टिंग स्टेप में यही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही सबको होता है, ऐसा हमें भी हुआ है, तो ये तो होना ही है। यानी ऐसे में यदि इंस्टेंट आत्मा की जागृति ना भी रहे, जिस समय ख्याल में आ जाए, जिस समय बोध हो जाए, जिस समय स्मरण में आ जाए, उस समय आत्मा के स्वरूप के अंदर एक लाइन पका दो कि आत्मा शुद्ध है, मैं शुद्ध तत्व हूं, बस इतना पका लो। मैं भूल गया, ऐसा हो गया, कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पश्चाताप की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पश्चाताप भी एक शुभ भाव है, वो भी एक शुभ भाव है। उस शुभ भाव में मुझे प्रवेश नहीं करना, मुझे तो किसमें प्रवेश करना है, आत्मा तत्व का स्मरण करने में, आत्म तत्व की जागृति रखने में। और इसलिए कुछ लोगों को, जैसे प्रीति ने लिखा था, पारुल ने लिखा था पिछले में, नीलम जी ने लिखा था, सुकृति ने लिखा था, कि इंस्टेंट आत्मा की जागृति नहीं रहने से फ्रस्ट्रेशन होती है, गिल्ट फील होता है, ये सब होता है। लेकिन ये पूछो कि फेल हुए उसको किसने जाना, फेल हुए उसको किसने जाना, मैंने जाना किसने, मैंने मैंने जिसने जाना वही तो मैं हूं, जिसने जाना कि मैं फेल हूं, जिसने जाना कि फेल हुआ है, यानी वो जानने वाला कौन है, वही मैं हूं। यानी जानने वाला तत्व आत्मा 24x7 सदैव हाजिर है, सदैव मौजूद है, 24x7 जो सदैव मौजूद है वो ज्ञान का गणपिंड है। और इसलिए मुझे तो केवल फेल भी हो जाऊं तो भी प्रयोग करना छोड़ना नहीं है, निरंतर प्रयोग चाहिए। चाहे छोटी छोटी एक्टिविटी में आप ले लो, चाय पीने की क्रिया करनी है कोई बात नहीं, चाय पीने की क्रिया के साथ ही जोड़ लो उसको, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में जब आप लग जाओगे ना, तो आप हमेशा सोचोगे ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि हर समय माइंड जो है ना ऑक्यूपाइड रहता है आत्मा में, नहीं तो चिंता में जाने वाला था, चिंता में जा सकता था। आपने क्या किया, अरे इसमें मैं प्रयोग कर लूं, ये चिंता आई है, चिंता मुझे लग रही है, अरे क्या किसको लग रही, जान कौन रहा है, ये जानने वाला तत्व कितना महान है। क्रिएटर से बढ़कर के कोई क्रिएशन दुनिया में नहीं है, क्रिएटर महान है, क्रिएशन नहीं, आत्मा महान है, आत्मा से बड़ी कोई चीज नहीं, आत्मा से बड़ा कर्म नहीं, आत्मा से बड़ा कर्म का फल नहीं, आत्मा से बड़ा भाव नहीं, शुभ भाव भी आत्मा से बड़ा नहीं, शुद्ध भाव भी आत्मा से बड़ा नहीं। यानी सुप्रीम पावर कौन है, वो है आत्मा। यानी ये भाव अपने भीतर लाना है। और कुछ न याद आए तो इतना याद रख लो कि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ, मेरे उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं, स्वरूप दृष्टि से हम दोनों समान हैं, सिर्फ जो है मेरी पर्याय में मलिनता है उनकी पर्याय 100% शुद्ध हो गई है। यानी एक वाक्य याद आ जाए, मैं शुद्ध हूँ, मैं स्थिर हूँ, सदा टिक करके रहने वाला हूँ, ऐसे कोई भी भाव जब जागे उसी समय आपने कहा क्या कदम रख दिया है, अपने आत्मा के संस्कार को गहरा करने का कार्य शुरू कर दिया। अब शिल्पी ने लिखा था कि अनुकूलता में चूक हो जाती है, अनुकूलता यानी रस, मीठा रस, अनुकूलता मीठा रस है, प्रतिकूलता कड़वा रस है। अब अनुकूलता में चूक हो जाए यानी ये संभव है, ऐसा आपको लगता है कि पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा तो हो ही जाएगा। प्रतिकूलता जब कड़वा रस पीना हो तो हर समय याद आ सकता है, याद रह सकता है, क्योंकि अनुकूलता में जुड़ना अधिक संभव होता है। वी क्रिएट वननेस विद द अनुकूलता, जो सिचुएशन अनुकूलता वाली है, जो पदार्थ अनुकूल लग रहे हैं उसमें वननेस क्रिएट हो जाती है। क्योंकि कहते हैं अनुकूलता यानी सिल्की पाथ, रास्ता बहुत सिल्की है,
रास्ता बहुत फिसलन वाला है और इसलिए उस समय जागृति अधिक चाहिए, और वो जागृति चूक जाती है, इसका मतलब अभी हमें और आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन और पक्का करने की जरूरत है, बार बार प्रयोग करने की जरूरत है, बार बार प्रयोग को लिखने की भी जरूरत है, तब जो है आपको अनुकूलता की अनित्यता भासित होगी, अनुकूलता की अनित्यता भासित हो और अनुकूलता की अनित्यता के साथ असारता भी भासित हो। अनुकूलता जो जो जिसमें रस आ रहा है ना, वो सब अनित्य है, वो सब असार है, ये भाव भी साथ साथ में क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, तब जो है अनुकूलता में भी प्रयोग होने शुरू हो जाएंगे। और इससे बिल्कुल अपोजिट ममता जी ने इससे अपोजिट लिखा है और नमिता जी ने भी लिखा है कि प्रतिकूलता में प्रयोग असफल हो जाते मेरे, परंतु अनुकूलता में कुछ अंशों में हम सफल हो जाते हैं, ये भी किसी का अनुभव है, शिल्पी के अनुभव से बिल्कुल डिफरेंट। तो उन्होंने लिखा कि प्रतिकूलता में तो हमें जो है मुश्किल लगता है ये एप्लीकेशन, लेकिन अनुकूलता में तो हमें याद रहता है, हम अनुकूलता में अप्लाई भी करते हैं, तो कुल मिला करके बार बार आत्मा के स्वरूप के द्वारा आत्मा का चिंतन करना, स्मरण करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए जिस जिसने जो जो भी प्रयोग किए डेली रूटीन के अंदर, हमें इन प्रयोगों के प्रयोगों को बढ़ाना है, और इन्हीं प्रयोगों के साथ जो है कि हमें ये समझ आ जाए कि मुझे अपनी गाड़ी कहाँ चलानी है, तो उसके लिए याद रखना, और कुछ याद रहे ना रहे, कार और ड्राइवर को याद रखना, कार और ड्राइवर। अब कार और ड्राइवर मान लीजिए कोई गाड़ी बहुत दूर से आ रही हो, गाड़ी दिखती है या ड्राइवर दिखता है? गाड़ी दिखती है, बिल्कुल सही है, गाड़ी स्थूल है, बड़ी है, दिखती है, बैठा हुआ ड्राइवर नहीं दिखता, लेकिन मानने में क्या आ रहा है कि ड्राइवर है ना, मानते क्या है कि ड्राइवर तो पक्का है। जब दूर से गाड़ी आती हुई दिखती है तो उस गाड़ी को देख करके हम गाड़ी को थोड़े पल के अंदर देख के हम ये अनुमान लगाते हैं कि ड्राइवर भी अंदर है, यानी ये अनुमान लगा लेते हैं कि कार भी आ रही है तो ड्राइवर भी है अंदर। इससे सिद्ध हुआ कि कार और ड्राइवर, कार स्थूल है, ड्राइवर दिखता नहीं है दूर से, तो हम अनुमान लगाते हैं, हम मानते हैं कि ड्राइवर जरूर है। तो जो कोई व्यक्ति ये माने कि आत्मा है नहीं है, भगवान कहते हैं आत्मा शुद्ध है, भगवान कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन अभी तो शरीर दिख रहा है, अभी तो मोटे रूप में क्या दिख रहा है, हमें शरीर दिख रहा है, जो शरीर दिख रहा है वो हमें अच्छा लग रहा है कि भाई शरीर ही तो सब कुछ कर रहा है, शरीर ही तो सब कुछ कर रहा है, नहीं, लेकिन अंदर में कोई तत्व बैठा है, इस शरीर अपने आप में कुछ नहीं करता, क्योंकि शरीर जड़ है, शरीर निर्जीव है, परमाणुओं से बना हुआ है, उन परमाणुओं से बना हुआ शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन अंदर में कोई तत्व विराजमान है, और वो तत्व है आत्मा, वो तत्व है शुद्धात्मा। यानी ऐसे विचार करो कि जब भी लगे कि कोई प्रयोग करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो कार और ड्राइवर को याद कर लो कि शरीर मेरा कार के रूप में है, ड्राइवर अंदर बैठा है, तो मुझे ड्राइवर को याद करना। तो अब ये समझ आ गया कि आत्मा का स्वरूप ही हमें बार बार जो है आत्मस्मरण के लिए करना है। और कनिका का सबसे अंतिम एक आया था हमारे पास कि मेरे सुख दुख का रिमोट मेरे हाथ में है तो किसका चुनाव करूं, सुख दुख का रिमोट मेरे हाथ में है तो चुनाव किसका करूं, समझ शक्ति का विकास की मुझे जरूरत है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि समझ शक्ति को कैसे विकसित करूं। बड़ा सुंदर प्रश्न है, और उसकी उसको यही ये तो समझ है ही कि कर्मफल जो है वो सुख और दुख है, सुख और दुख कोई अलग नहीं है, सुख और दुख दोनों जुड़वा भाई है, सुख और दुख मेहमान है, सुख और दुख दोनों क्षणिक है, सुख और दुख दोनों टेम्पररी है, सुख और दुख जो है वो कहना चाहिए कर्म का फल है। तो ये कर्म का फल जो टेम्पररी है, तो उसमें मुझे किसका चुनाव करना है, सुख का भी नहीं दुख का भी नहीं, दोनों का चुनाव करना में फेल हो जाएंगे, तो किसका चुनाव करना है, फिर किसका चुनाव करेंगे, आत्मा का, शुद्ध आत्मा का। हाँ, टेम्पररी का चुनाव करने में हम आगे जाकर के फिर अटक जाएंगे, इसलिए परमानेंट का चुनाव करना है। परमानेंट कौन है, आत्मा,
आत्मा परमानेंट है, उस आत्मा का ही मुझे चुनाव करना है जो नित्य है। नित्य का चुनाव करेंगे तो नित्य नित्य साथ रहेगा, नित्य ही साथ रहेगा, और क्षणिक का चुनाव करेंगे तो क्षण भर साथ रहेगा। और इसलिए अपनी जागृति को उस लेवल पे बढ़ाना है जिससे कि हम जानेंगे कि निश्चित ही कि ये प्रयोग कर कर के अनंत जीव मोक्ष में गए हैं, क्योंकि पढ़ना सुनना समझना लिखना ये सब जरूरी है, लेकिन इसके साथ प्रयोग नहीं होगा ना तो आपका पाठ कच्चा रहेगा। प्रयोग चाहिए, और प्रयोग के लिए नंबर ऑफ प्रयोग चाहिए, एन नंबर ऑफ प्रयोग। यानी ऐसा ना सोचो कि पांच प्रयोग करके हमने नहीं, स्टार्टिंग में चाहे दो करो, एक करो, पांच करो, लेकिन प्रयोग प्रारंभ करो। जितने प्रयोगों की संख्या बढ़ेगी उतना आपके आत्मा के गहरे संस्कार जो है उसको डालने में आप समर्थ हो सकेंगे। तो यही हमारी मंगल भावना है कि आप आगे से प्रयोग लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये भाव है कि आप प्रयोग लिखेंगे, क्योंकि प्रयोग लिखने से चाहे आप लिख करके हम तक ना भी भेजे, लेकिन आप अपनी डायरी बना लें कि आज 3:40 पे मैंने ये प्रयोग किया, आज मैंने 4:20 पे ये प्रयोग किया। इससे आपकी जागृति बढ़ती है, क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस से सेल्फ अवेयरनेस तक हम जाने वाले हैं, अवेयरनेस से सेल्फ अवेयरनेस। महाराज जी, आपने ये कहा कि भाव जो है वो कर्मों के उदय से आ रहे हैं, लेकिन एक मन वचन मतलब मन से हमारा कोई विचार आ रहा है और कर्म के उदय से भाव आ रहा है, मतलब इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हाँ, मतलब तुम ये पूछना चाहती हो निशा कि विचार और भाव अलग अलग है कि एक है? हाँ महाराज जी, सुना हुआ है कि ये अलग अलग है, पर ये अभी समझ में नहीं आया है ढंग से। हाँ, ऐसा है, जो भाव है वो भाव किसकी प्रॉपर्टी है आप सबको मालूम है ना? भाव किसकी प्रॉपर्टी है? आत्मा की प्रॉपर्टी है। और जो आत्मा का भाव है, जड़ का तो भाव है नहीं, पर जब आत्मा पर का लक्ष्य करती है, पर यानी दूसरा, जब आत्मा पर का लक्ष्य करती है तब उसको विभाव बोला जाता है। तो जब आत्मा पर का लक्ष्य करती है ना, तो या तो शुभ या अशुभ भाव होता है, और शुभ और अशुभ दोनों को क्या बोला गया है? जड़ भाव बोला गया है, तो उसको विभाव बोला। ठीक है यहाँ तक? अब तुमने विचार भी साथ में लिया है ना, भाव और विचार। हाँ, अब ये विचार चीज क्या है? विचार जो है, विचार हम किसको कहते हैं? भाव तो आत्मा से रिलेटेड है, पर ये भाव जब मन के माध्यम से गुजरता है, गुजरने वाला कौन है? भाव। माध्यम कौन है? मन। तो इसी भाव को नाम मिलता है विचार, उसी को नाम क्या मिला? विचार। यही भाव, शुभ अशुभ भाव, जब वचन के माध्यम से गुजरा तो उसको शब्द के रूप में बोला गया, उसको शब्द कहा गया, उसको भाषा बोला गया। वही भाव जब एक्शन में आ गया, क्रिया में आ गया, तो उसको क्या बोला? यानी मन वचन काया, इनको क्या बोला? मीडियम है ये, माध्यम है ये, खिड़की दरवाजे की तरह साधन है, और उसमें से कौन गुजरते हैं? भाव ही गुजरते हैं। ठीक हो गया महाराज जी? मेरे को हाँ महाराज जी, मुझे और क्लेरिफिकेशन चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से मैं पूछ रही हूँ, किसी को मूवी देखने का भाव आया, मूवी देखने जाने का, तो इसमें भाव क्या है, विचार क्या है, कैसे हाँ, समझ में आएगा? अब जैसे ही उसको जो एक्चुअली भाव और विचार में इतना कम फासला है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, है ना? मन जो है वो मन के माध्यम से गुजरती, उसको नाम क्या मिल गया? विचार। यानी भाव को तो हमने पकड़ ही नहीं पाए, जब वो भाव विचार बना ना तो हम पकड़ पाए, और तब हमने वचन से बोला कि मुझे ऐसा थॉट आया, मुझे ऐसा विचार आया, परंतु वो विचार अच्छा बुरा, फिर वो आगे की बात चली, परंतु भाव इतना सूक्ष्म है कि हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। जब वो विचार का नाम पाता है तब हम उसको पकड़ते हैं, इसलिए हरदम ऐसी शंका होना स्वाभाविक है कि भाव और विचार में हमें समझ नहीं आ रहा, पर और गहरा चिंतन करोगे आप पकड़ पाओगे, समझ भी पाओगे इसको। अच्छा, थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, नीलम बोल रही हूँ। हाँ जी नीलम। हाँ महाराज जी, मतलब अगर हम जैसे प्रैक्टिकल करते हैं कुछ भी, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो राग द्वेष हमारे चेतन में है, वो चेतन है जो राग द्वेष, वो प्रैक्टिकल करने से जड़ राग द्वेष में बदल जाएंगे। आपने दो तीन बातें एक साथ बोली, दो चीज एक साथ बोल रहे हो कि राग द्वेष जो है
वो जड़ है कि चेतन है, पहले ये क्लैरिटी कर लेते हैं, हाँ जी है ना? ये दोनों लेबल आपने राग द्वेष को दिया, ऐसा मुझे समझ आया, या आपने कुछ और बोलना चाहा? नहीं, यही महाराज जी के जो राग द्वेष हमारे चेतन में है, मतलब हाँ हमारी आत्मा में जो राग द्वेष है, ठीक है, और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं हाँ। तो वो राग द्वेष जड़ में परिवर्तित हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, राग द्वेष जो है वो राग द्वेष आत्मा में है, नंबर वन क्लैरिटी है ना? राग हाँ जी, द्वेष आत्मा में है, क्योंकि राग द्वेष शरीर में नहीं है, हाँ जी, वो चेतन जड़ में, में नहीं है ना? राग द्वेष आत्मा में है, परंतु वो आत्मा का विभाव है ना? वो अपना स्वभाव नहीं है ना आत्मा का? यदि राग द्वेष आत्मा का स्वभाव होता तो फिर वो कभी खत्म ही नहीं होता ना। स्वभाव का मतलब जो सदा रहे, है ना? स्वभाव यानी जो सदा रहे। तो राग द्वेष, ऐसी अनंत आत्माओं ने राग द्वेष क्या कर लिए? समाप्त कर लिए। इट मीन्स राग द्वेष जो है वो स्वभाव नहीं है, वो आत्मा में है, आत्मा के कारण से ही पैदा हुए। क्योंकि आत्मा ने जब जब किसका लक्ष्य किया? पर का, यानी अन्य का लक्ष्य किया, अन्य को अपना माना, तो वो राग द्वेष के भाव क्या हो गए? पैदा हो गए। यानी है वो आत्मा के भाव, पर उस भाव को नाम क्या मिला? विभाव। उस नाम भाव को नाम क्या मिला? विभाव मिला। और विभाव टेम्पररी है, नंबर वन। विभाव जो है टेम्पररी का मतलब वो खत्म हो जाते हैं, और वो विभाव को जड़ बोला गया। किस अपेक्षा से बोला गया? क्योंकि बात को हमेशा अपेक्षा से समझना है, तो किस अपेक्षा से उन्हें जड़ बोला गया? क्योंकि राग द्वेष जो है ना वो हमारे भाव कर्म कहलाते हैं। यदि आपने ए टू जेड में याद होगा आपको कि एक द्रव्य कर्म है, एक भाव कर्म है, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण ये सबको द्रव्य कर्म बोला, और राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इनको क्या बोला? भाव कर्म। तो कर्म मात्र ही जड़ होते हैं। कर्म मात्र का मतलब द्रव्य कर्म हो या भाव कर्म हो, कर्म जड़ ही होते हैं, और इसलिए उसका जो फल है वो भी क्या होता है? जड़ ही होता है। तो राग द्वेष जड़ नहीं कर रहा। फिर से हमें ये करेक्शन साथ साथ लेनी होगी कि राग द्वेष कौन नहीं कर रहा? जड़ नहीं कर रहा। राग द्वेष जड़ है, राग द्वेष विभाव है, परंतु उसको कर्म नहीं कर रहा, कर्म कर्म को नहीं कर रहा। आत्मा ही कर्म को बांध रखती है, ऐसा हम कहते हैं ना। यानी आत्मा ने पर का लक्ष्य किया, आत्मा ने आत्मा में ही राग द्वेष पैदा हुए, क्योंकि आत्मा का भाव पर के लक्ष्य से विभाव हो गया, और विभाव को क्या बोला? जड़ बोला गया। तो दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, दो दो चीजें आपने एक साथ पूछी ना, कि राग द्वेष चेतन है और फिर बाद में जड़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ आपने बोला ना। तो ऐसे नहीं समझना, हमें ऐसे समझना है कि राग द्वेष जो है वो आत्मा के भाव होने से, वो आत्मा में पैदा होने से उसको चेतन का भाव बोला गया, क्योंकि वो आत्मा का भाव है। परंतु आगे गहरा चिंतन करना है, वो भाव कैसा है? विभाव क्यों है? क्योंकि पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुआ है, और जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होगा वो विभाव हमेशा टेम्पररी है, और वो विभाव कर्म होने से वो क्या है? जड़ है। तो वो कौन सा कर्म है? वो भाव कर्म है। तो चाहे द्रव्य कर्म हो चाहे भाव कर्म हो, परंतु दोनों भी कैटेगरी तो क्या कहलाएंगे? जड़ कहलाएंगे। ठीक ठीक हुआ? है, क्लियर हुआ थोड़ा? काफी क्लियर हुआ। और हाँ जी, और चिंतन करना, नहीं समझ आए तो फिर पूछना। जी मैम। हाँ जी जी, और कुछ पूछना है कि नहीं? ने तो चलिए परावर्तना स्वाध्याय का एक पॉइंट कर लेते हैं आज हम, क्योंकि परावर्तना स्वाध्याय में दोहराना है हमें, क्योंकि पिछली बार जो हमने सुना, जो हमने समझा, जो हमने चिंतन किया, जो हमने प्रयोग किया, उसका एक बार रिकैप करना उसको बहुत जरूरी है, उसे समझना बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे भीतर में समझ का संस्कार क्या होना चाहिए? गहरा। तो स्वाध्याय चल रहा था हमारा आत्मा के स्टेशन पुस्तक पर, और परावर्तना स्वाध्याय में मैं तो अकेली नहीं बोलने वाली हूँ, आप सब मेरे साथ है, पर आप सब एक साथ नहीं बोलेंगे, इतना आपने ध्यान रखना है। तो आप दोहराएंगे हम परावर्तना स्वाध्याय के रूप में, जिससे समझ का संस्कार ग्रहण करेंगे। आत्मा की स्टेशन पुस्तक है, और उसमें नरक का स्टेशन हमारा चल रहा है। अब आप 30 सेकंड के लिए
सिर्फ नरक नरक ऐसा दो बार शब्द अपने अंदर में बोलो और एकदम से आपको क्या फ्लैश आता है आपने मुझे बताना है। जैसे ही आपने नरक शब्द बोला, बोलती आपको क्या संवेदना जागेगी, क्या आपको याद आएगा, कौन सा चित्र आपके आंखों के सामने आ रहा है। एक एक व्यक्ति अनम्यूट करके थोड़े दो चार उत्तर आ जाए, फिर हम आगे चलते हैं। नरक का दरवाजा आया महाराज जी। नरक का दरवाजा, नरक का दरवाजा याद आया पहला फ्लैश। और महादुख है, महादुख है, महादुख है, महादुख, महादुख जी, वहाँ नहीं जाने का विकल्प जागा, संकल्प जागा। अच्छा, मारो मारो काटो काटो, मारो मारो काटो काटो की आवाज सुनाई दी। और किसी को याद हुआ नरक में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। अरे वाह, वेरी गुड। और कोई बात, और कोई? हाँ जी, ये किसने बोला है नरक में सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता आया कि नरक में भी जाके दुख है पर मैं अलग हूँ वो दुख से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये किसका उत्तर है? ये मेरा महाराज जी, सुकृति है, सुकृति है। यानी आपको कुल मिलाकर के अच्छी बात है, जितने उत्तर हमने सुने, जो नहीं बोले इसी में से उनके उत्तर होंगे ऐसा हम मान लेते हैं। और यदि इससे डिफरेंट कोई उत्तर आपका हो तो अभी मैं 30 सेकंड आपको देती हूँ, कोई इससे डिफरेंट कोई आपका उत्तर हो तो। जितनी आवाजें आपने सुनी है ना, इससे डिफरेंट यदि कोई उत्तर हो तो आप दे सकते हैं 15 सेकंड में, और फिर हम चलेंगे आगे। तो नरक शब्द बोलते ही कुल मिलाकर के दो फीलिंग आई आपको, जो हमें समझ आया, अनंत बार वहाँ गए हैं और अब जाना नहीं है, अब जाना नहीं है, वो उत्तर आ चुका था मारा साहब, ये डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ जी, बहुत सुंदर, डेस्टिनेशन नहीं है, बहुत सुंदर। अब ऐसा है कि जो आपने उत्तर दिए है ना अभी तक के, और भी उत्तर आपके अंदर में होंगे, पर कुल मिला के आप देखिए, नरक बोलते ही आपको दो तरह की फीलिंग आई, एक पॉजिटिव फीलिंग आई, एक नेगेटिव फीलिंग आई। और सबसे पहले अधिकांश लोगों को कौन सी आई? नेगेटिव आई। पक्की बात है, किसी को महादुख आया, किसी को महा अंधेरा दिखाई दिया, किसी को नरक का दरवाजा, किसी को मारो काटो, है ना, वेदना दिखाई दी, आदि आदि। परंतु पॉजिटिव फीलिंग भी अवश्य आई आपको, और पॉजिटिव फीलिंग में क्या क्या था? कि वहां भी सम्यक दर्शन संभव है, संभव है, नंबर वन। यानी उस नरक के अंदर भी चाहे कितना ही अंधेरा है, परंतु वहां भी ऐसे जीव हैं जो सिर्फ कर्म को नहीं भोग रहे, कर्म की क्या कर रहे हैं, निर्जरा भी कर रहे हैं। यानी सिर्फ भोग नहीं है वहां, भोग का मतलब बंधन, कुछ ऐसी आत्माएं वहां हैं जो आपको पता है ना, श्रेणिक राजा आदि अन्य अनेक आत्माएं हैं, जो श्रेणिक राजा तो आगे आने वाली 24 में तीर्थंकर बनेंगे। यानी नरक बोलते ही अब पॉजिटिविटी भी थोड़ी आनी चाहिए, कि वहां यदि चले भी गए ना, कोई बहुत ज्यादा बड़ा संकल्प करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है नरक से। क्यों डरने की जरूरत नहीं है? क्योंकि प्रेरणा ये लेनी है कि इस जो अनुकूलता मुझे यहाँ मिली है, कौन सी अनुकूलता मिली है? चिंतन की अनुकूलता मिली है। तो आत्म चिंतन की अनुकूलता मुझे जितनी मिली है, उसमें मैं जितना आत्म चिंतन कर लूं, जितना आत्म चिंतन कर लूं, फिर चाहे नरक के स्टेशन पे जाना पड़े, संकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध हमारे हाथ में तो है नहीं। पता नहीं हो गया हो तो भी मालूम नहीं है, हो जाएगा तो भी पता लगने वाला नहीं है। इसलिए अनुकूलता में मुझे आत्म चिंतन करना है, ताकि प्रतिकूलता में आत्म जागरण होता रहे। इसके ऊपर हमारी दो लाइन है भजन की, वो सुना के आपको थोड़ा लाइट कर देते नरक से। अनुकूलता में कर लो आत्म चिंतन, तो प्रतिकूलता में होगा आत्म जागरण। अनुकूलता में कर लो आत्म चिंतन, तो प्रतिकूलता में होगा आत्म जागरण। अब प्रतिकूलता कोई नरक की नहीं लेनी आपको, ये जो प्रयोग करवा रहे आपको अनुकूलता के अंदर, वो किसके लिए? कि प्रतिकूलता कैसी भी आएगी, कौन सा भी कर्म का उदय आएगा, आपको आत्म जागरण का अलार्म बजने वाला है। यदि आपने आत्म चिंतन को क्या करके रखा, इतना पका के रखा, इतना फीड अंदर करके रखा, तो अवश्य ही आपका आत्म जागरण होने वाला है।
परावर्तना स्वाध्याय का एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। इससे सारा हमारा रिकैप भी हो रहा है और हम इसके साथ कनेक्ट भी होते जा रहे हैं और साथ में भावना भी बानी है। भावोगे 31 सेकंड के लिए आग बंद करके भावना ये भाना है कि इस अनुकूलता के अंदर क्या अनुकूलता मुझे मिली है। मनुष्य जन्म मिला, अच्छा संयोग मिला, ये आत्मा की बात सुनने का अवसर मिला, तो इन सब अनुकूलता के अंदर मुझे प्रमाद नहीं करना है। हर क्षण प्रयोग का मतलब है प्रमाद हटे। प्रयोग का मतलब है पर में मेरे योग, पर और योग दोनों मेरे से क्या है, अन्य है। प्रयोग के अंदर दो शब्द है ना, पर और योग। योग यानी मन वचन काया। मन वचन काया की क्रिया को मैं पर मान सकूं, शुभ अशुभ भावों को मैं पर मान सकूं और मैं स्व की तरफ आ सकूं, ऐसा चिंतन मेरा हर समय चले, ऐसी भावना भाएंगे ना, ये भावना भी बहुत काम आपके आएगी। चलिए परावर्तना स्वाध्याय का दूसरा पॉइंट, जिससे आपको सारा रिकैप होता जाएगा। जो जो अभी तक आपने सुना समझा और उसका संस्कार नहीं पड़ा होगा ना, वो संस्कार पड़ेगा। इसलिए ये वाचना के बाद, पृछना के बाद ये परावर्तना का स्वाध्याय है। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 पे फोकस कर रहे, बहुत अपने आप को सूक्ष्म बना लो, इतना गहरा कर लो कि शब्द हमारे निकले आप तक पहुंचे, उससे पहले आपको भाव इसका ग्रहण हो जाए। इतने अपने आप को सूक्ष्म कर लो। नरक जैसा महाभयानक स्टेशन, उसका नाम ही क्या है, महाभयानक स्टेशन। क्यों है महाभयानक? क्योंकि वहां पे चार बड़ी बड़ी चीजें हैं जिन्हें महा बोला गया। नंबर 1 महादुख, नरक में क्या है, महादुख। नंबर 2 महा भय है, डर, जो मारो मारो काटो काटो बोला। नंबर 3 महा उम्र है, दुख में वैसे थोड़ा समय भी ज्यादा लगता है, परंतु यहाँ तो क्या है, वाकई में उम्र भी बड़ी है। और नंबर 4 महा अंधेरा, ऐसा अंधेरा कहीं देखा ना हो, ऐसा अंधेरा कहाँ है, नरक में। अब ये चार चीजें जहाँ पे इतनी मतलब भयानक हो, महा भयानक नरक का स्टेशन है, फिर भी न जाने ये हमारी 5वां सेशन है नरक को लेकर के, फिर भी उस नरक के स्टेशन पे इतनी रुचि किस वजह से ली जा रही है, अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। बारा साहब एनी बोल रही हूँ, रुचि इसलिए ली जा रही है क्योंकि अब हमें ये समझ आ गई है कि नरक से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा स्टेशन है जहाँ पर हम जाकर, अगर हमने अपनी तैयारी कर रखी हो तो वहां जाकर भी हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब कोई डर नहीं है, अब समझ है तो मतलब शांति है, मतलब ठीक है कि जो भी है। बहुत अच्छा लगा ऐसा भी कि नरक का स्टेशन तो के बातें सुन के यदि डर निकल जाए ना, लक्ष्य प्राप्त कर सकते। हाँ, लक्ष्य प्राप्त, यानी नरक के स्टेशन की चर्चा ही इसके लिए है कि डर निकले, क्योंकि वो डेस्टिनेशन नहीं है। प्रीति ने बोला था वो क्या नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है हमारा, वो स्टेशन ही है। ये समझ आए, वहाँ कितना ही अंधेरा हो तो भी अंदर का उजाला वहाँ भी मिल सकता है। ये कितना बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जो डर निकालने के लिए, और ऐसी आत्मा वहाँ अभी भी है, ये कितना पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए कि हम कर क्या रहे हैं, जहाँ इतना भी तिनका प्रतिकूलता का नहीं है और वहां भी आत्मचिंतन नहीं करेंगे, अब भी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। यानी इतना इंटरेस्ट हमें आया है कि वहां भी सम्यक दर्शन संभव है। नंबर 1, नंबर 2 और है कुछ जिसके कारण से क्यों इतनी रुचि हमें आ रही है इस नरक के स्टेशन को सुनने की, समझने की, क्योंकि आज तक तो ऐसी नरक के स्टेशन पे बातें नहीं सुनी। आत्मा के स्टेशन बुक तो बहुत बार पढ़ी आपने। और एक पॉइंट है, हाँ जी, हाँ सुरुचि, हाँ महाराज जी, इसमें आत्मा की जो शुद्धता है वो भी एक रीइंफोर्स होती है कि हम अनंत बार शायद नरक होके आए हैं और फिर भी जो हमारी आत्मा है वो किसी भी तरह से मलमलिन नहीं हुई है। बहुत सुंदर पॉइंट है कि यानी, हाँ ठीक बात है, यानी सुरुचि ये सोच रही है कि उसे ये समझ आए, चाहे नरक का स्टेशन हो या कोई भी स्टेशन हो या अनंत जन्म मरण हो, पर ये आत्मा कहीं भी जाकर के क्या नहीं हुई है, मलिन नहीं हुई है। और कोई पॉइंट याद आ रहा किसी को, जो मुझे याद आ रहा है?
महाराज जी के वहां पर ड्यूरेशन है, फिर भी मैं वहां से निकल सकती हूँ, मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि वहाँ ड्यूरेशन है महाराज जी। ठीक बात है, अवधि है। एकदम बोल रही हूँ महाराज साहब। हाँ बोलो महाराज साहब। हाँ जी, हाँ जी शिल्पी। हाँ हाँ महाराज साहब, अगर मतलब हमें अब जैसे अगर वहां पे चले भी गए तो भी हम उसको कैसे अपने डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन की तरफ ही उसको यूज कर पाए ऐसी तैयारी के साथ जब हम जाएंगे, तो हमें मतलब ताकि हमारा वो नरक का स्टेशन भी हमारे लिए बेटर बेटर के लिए जाए। ठीक बात है, अच्छी बात है। मतलब कि महाराज जी केविका के सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद भी अगर नरक जाना पड़े तो वहाँ पे जीव को दुख नहीं महसूस होगा, निर्जराई होती रहेगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई पॉइंट किसका था? और महाराज जी यदि हमें ये पता चल जाए कि नरक किन इन कारणों से जाते हैं तो हम अभी यहीं पर ही पूरा पुरुषार्थ करेंगे कि हम वो सब ना करें। ठीक बात है। अब मुझे जो इंटरेस्ट आया मैं बता दूं, वो वाला उत्तर मुझे नहीं मिला है कहीं से। और किसी ने कुछ बोलना है? यानी ये इंटरेस्ट आया कि चार गति में सम्यक दर्शन संभव है, वो तो ठीक है, पर एक नरक के नारकी को यानी एक नारकी जीव को यदि सम्यक दर्शन होता है तो उसका प्रोसेस क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरह से वो चिंतन करता है, उस चिंतन में मुझे इंटरेस्ट आया। इसलिए मुझे नरक का स्टेशन पे ये जो रुकने का इतना भाव जागा, और क्योंकि उसके उस प्रोसेस से चिंतन किसका गहरा हो रहा है, अपना चिंतन अधिक से अधिक गहरा हो रहा है। तो यदि नहीं भी आया है ये भाव, क्योंकि प्रोसेस जो है ना वो महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन होना ये तो रिजल्ट है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये तो सिद्धांत ही है, परंतु जो प्रोसेस है अनादि काल से जीव को विधियां नहीं पता लगी, प्रक्रिया नहीं पता लगी, प्रोसेस नहीं पता लगा कि कैसे सम्यक दर्शन एक नारकी जीव को हो गया। तो प्रोसेस तो सर्वत्र एक ही है, विधि तो एक ही है, और वही उसी विधि से, उसी प्रोसेस से, उसी चिंतन से, आत्म चिंतन से हम भी कहाँ तक पहुंच सकते हैं, आत्म अनुभव तक पहुंच सकते हैं। ये था हमारा परावर्तना स्वाध्याय का दूसरा पॉइंट। अब है तीसरा पॉइंट, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही ध्यान में आती चली जाएगी, जो जो आपने अभी तक सुना है कि सभी नारकी जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता। माना कि नरक में सम्यक दर्शन होता है, माना कि पहली नरक से लेकर सातवीं नरक तक के सभी जीवों को क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है, परंतु हमने ये भी सुना था कि सभी नारकी जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होता। तो प्रश्न है कौन से नारकी को सम्यक दर्शन होता है, इस संदर्भ में यदि आप समझाना चाहे, बताना चाहे तो दो तीन पॉइंट्स में बता सकते हैं। महाराज जी यदि हम अपने मनुष्य भाव में भी यदि हम आत्म चिंतन करते रहते हैं तो हम जाके वहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी फिर आत्म चिंतन जागृत होगा। यदि हम मनुष्य जन्म में शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा निर्णय निश्चय पक्का कर लिया है, महाराज जी आत्म चिंतन अंतर्मुखता और अनित्यता ये चीजों का प्रोसेस ऑन करेंगे तो हमें वहाँ पे जाके सम्यक दर्शन हो सकता है। हो सकता है। और कोई उत्तर है? महाराज जी हमें हमें मन मिला है और मन के बिना ये चिंतन संभव वो नहीं था, तो मन के कारण हम चिंतन, इस मन को हमें चिंतन में लगाना है और सिर्फ चिंतन से ही सम्यक दर्शन की घटना घटित होगी, ऐसा आपने हमें समझाया। पर आप देखिए कि आप सब मुझे ये बता रहे हैं जिससे मुझे एक शंका हुई है, शंका ये हो गई कि जब मनुष्य जन्म में चिंतन करेंगे तो जाके नरक के स्टेशन पे सम्यक दर्शन होगा क्या हमें? नहीं, नहीं, हो सकता है वहाँ पर भी मतलब आगे चिंतन जागृत हो सकता है। नहीं, मुझे जो पॉइंट की अपेक्षा है ना आपकी तरफ से, जो रिकैप मैं आपको कराना चाहती हूँ, जो रिवीजन, क्योंकि परावर्तना स्वाध्याय है और आपको क्या समझ आया ये मुझे समझना है। अभी जिम्मेदारी मैं ये लेके बैठी हूँ। हाँ, समझाने की नहीं। हाँ, प्रतिकूलता होगी नरक में तो हमारा वैराग्य की इस तरफ ज्यादा मन जाएगा और हम हमारा साथ वहाँ पे समय की प्राप्ति कर सकते हैं वहाँ भी। नहीं, प्रश्न ये है मेरा आप लोगों से, जो जो आप अनिश्चितता का बोध रहेगा वहाँ पे भी। नहीं, मैं आपसे मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जो आपने बोला कि मनुष्य के स्टेशन पे यदि हम आत्मचिंतन करेंगे तो हमें नरक के स्टेशन पे क्या मिलेगा, सम्यक दर्शन, तो बीच में है ना एक चीज छूटती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
मनुष्य के स्टेशन पर जो आप आत्मचिंतन कर रहे हैं, जो आपकी मिसिंग कड़ी है ना, उस तरफ ला रही हूँ मैं आपको। मनुष्य के प्रयोग तो आप कर ही रहे हैं, मनुष्य के स्टेशन पे जो आप प्रयोग कर रहे हैं, जो आप आत्मचिंतन कर रहे हैं, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, तो क्या जरूरत है नरक के स्टेशन पे जाके सम्यक दर्शन लेने की? तो महाराज जी, हमारा आयुष कर्म अगर, हाँ अब ये बात है, यदि हाँ यदि करेक्ट करेक्ट, नमिता जी ने बराबर वो पॉइंट पकड़ा है। अब मुझे समझ आ गया, जो मुझे शंका हुई थी अब उसका उत्तर मिला। शंका मुझे क्यों हुई कि मुझे ये लगा कि कहीं आपने ये तो नहीं समझ लिया कि मनुष्य के स्टेशन पे यदि आत्मचिंतन करो तो नरक के स्टेशन पे क्या मिलेगा, सम्यक दर्शन। नहीं, मिसिंग कड़ी क्या रह गई कि मनुष्य के स्टेशन पे आत्मचिंतन करते 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 आयुष्य कम पड़ गया, या उससे पहले नरक का आयुष्य बंद गया। ये बहुत जरूरी था, नरक का आयुष्य बंद गया तो ही कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में। और यहाँ आत्मचिंतन करते करते सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पर वो आत्मचिंतन से संस्कार क्या हुआ, पक्का हुआ, मजबूत हुआ, और वो संस्कार ही वहाँ नरक के स्टेशन पे चिंतन के रूप में उभरेगा, और तब जाके वहाँ। इसलिए यहाँ आत्मचिंतन किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। प्रेरणा क्या लेनी हमें, मतलब व्याकुलता नहीं लानी, अरे इतना समय हो गया, अब पता नहीं मेरी कितनी उम्र है, सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं है, अगले स्टेशन पे कौन गुरु मिलेंगे, कौन आत्मा मिलेगी, कौन धर्म मिलेगा, इसकी चिंता मत करना। जो आप यहाँ पे अपने आत्मा के संस्कार पका रहे हो ना, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये श्रद्धा पहले पकाओ, अभी की अभी अंदर में ये श्रद्धा डालो कि ये आत्मा के संस्कार, ये प्रयोग, ये समझ, ये आत्मा की चर्चा, ये व्यर्थ जाने वाली नहीं है। फिर नरक का स्टेशन आ जाए, त्रियंश पंचेंद्रिय का आ जाए, या कोई भी स्टेशन आ जाए, और सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद वही आत्मा नरक में जाएगी, वो भी आपने याद कर लेना है, यदि पहले आयुष्य का कर्म बंद गया हो। वरना तो सिद्धांत क्या है कि सम्यक दर्शन हो जाए और आयुष्य का कर्म अभी नहीं बंधा हो तो फिर नरक में कभी भी वो नहीं जाएगा, उस जन्म में नहीं जाएगा। ये सिद्धांत भी याद रखना, नियम भी हमने याद रखना है, और फिर प्रोसेस की रिकैपिंग हम बाद में करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या गाइडलाइन देनी है महाराज जी ने, वो देंगे। मैं तो यही अपेक्षा रखती हूँ फिर से कि आप प्रयोग लिखेंगे, जिन प्रयोगों में सफल हो वो लिखना चाहे तो वही लिखे, जिन प्रयोगों में असफलता लगती हो तो वो लिखना है तो वही असफल वाले प्रयोग लिखे, क्योंकि जो भी लिखोगे आपके अंदर के जेहन में संस्कार डालने के लिए है और कुछ नहीं, इसलिए लिखना अनिवार्य है। लिखना अनिवार्य कर दिया इसलिए क्योंकि तो चाहे दो प्रयोग लिख के भेजो, चाहे चार प्रयोग लिखो, लिख के भेजो ना भेजो, पर आप लिखो, अपनी एक डायरी बना लो, अपनी डायरी बना लो, और जहाँ शंका है कि कैसे हम प्रयोग करें, हम सही कर रहे कि नहीं कर रहे, तो वो आप पूछ सकते हैं, उसको आप पूछ भी सकते हैं कि जिस ट्रैक पे, जहाँ कहीं आपको लगता है कि मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है, प्रयोग तो करना चाहते हो, आत्मा के स्मरण भी हो रहा है, लेकिन प्रयोग करने की एप्लीकेशन की मेथड राइट है कि नहीं, मेथड भी राइट होनी चाहिए, नहीं तो फिर से वापस गलती हो जाएगी कि हमारे गलत संस्कार फिर से पकने शुरू हो जाएंगे, उल्टी बात सोच ले जाएगी। तो इसलिए अपनी पहले स्पष्टता हो, क्लैरिटी हो कॉन्सेप्ट की, और क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की होने के बाद संस्कार पकाने के लिए आप लिखो तो बहुत ही उत्तम है सबके लिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो उवसायानं, नमो लोए सव्वसाहुनं, ईशो पंचनमोकारो सव्व पावपनासनो मंगलानंच सव्वेसिं पद्मं अवै मंगलं चत्तारि मंगलं अर्यंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली पनत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्यंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवच्छामि अरिहंते शरणं पवच्छामि।
सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। ॐ शांति शांति शांति।